नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विद्यते। श्रोताओं, भगवान ने गीता में एक बड़ी अच्छी बात कही, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अब जैसे किसी भी प्रकार से मनुष्य के जीवन में अज्ञान के कारण ही दुख है, हम जितने भी अपने आप को संसार में 800 करोड़ लोग हैं, इन सारे के सारे अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुख मनाता है, ये एक अज्ञान का लक्षण है। क्योंकि अगर देखे तो बहुत सारा दुख है, नहीं देखे तो कुछ भी दुख नहीं है। तो भगवान ने यह कहा कि अर्जुन, इन सारे जगत में अगर आपके कायिक वाचिक मानसिक और जागतिक आपको अगर पवित्रता के साथ अगर रहना है तो उसके सबसे बड़ी संजीवनी अगर कोई है वो ज्ञान रखना। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अब आपका ज्ञान सबसे पहले आपसे आपके मन बुद्धि इंद्रियों से शुरुआत होता है। ज्ञान के भी कई प्रकार है, विकृत ज्ञान, सुकृत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, साधनात्मक ज्ञान, परोपकारात्मक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, जिसको कहते हैं कि वैदिक ज्ञान, शास्त्रोक्त ज्ञान, इन सभी प्रकार के ज्ञान के कई प्रकार आते हैं। अब उसमें सभी एक एक ज्ञान के, लेकिन सारा का सारा अंत में अब आपको गाड़ी चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान की गाड़ी थोड़ी चलाओगे। पहले आपने 8-15 महीना भर तक जब उसमें समाहित करने के बाद फिर आप गाड़ी चलाते हो, फिर तो कैसी भी, एक बार उसमें ज्ञान हो गया उसमें पारंगत हो गए, इसी तरह से अपने इंद्रियों को चलाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अगर एक साधारण शब्द में कहूं तो ट्यूशन लगाओ। अब ट्यूशन आपने सूर्य के पास, चंद्र के पास, मंगल के पास, राहु के पास जाने का ट्यूशन तो बहुत लगाया, लेकिन जीवन जीने का ट्यूशन आपने नहीं लगाया। ये अगर आप अपने इंद्रिय, अब आपके मन में आपको किस विचारों को सोचना चाहिए ये आपका विषय है, ये कोई दूसरा थोड़ा ही देता है। वो कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध की बात मुझे याद आई, मतलब क्या आपको एक विशेषता बता रहा हूं, मान अपमान सम्मान पद पैसा प्रतिष्ठा ये मन और शरीर के विषय है, आत्मा के विषय है ही नहीं। अब उनमें अगर विस्तार नहीं करना चाहे तो बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है। श्रोता हो, भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे कल्याण, उनके बड़े भाई भगवान बुद्ध को रोज सुबह उठकर अनाप शनाप जितने भी अज्ञानतामय अपमानात्मक शब्दों के द्वारा उनका अपमान करते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष निकल गए और उनके छोटे भाई कल्याण उनसे कह गए कि अरे 12 साल हो गए भगवान बुद्ध का अपमान करते करते, आपने जितने भी शब्दों के द्वारा, अपमानात्मक शब्दों के द्वारा आपने किया है, आप एक काम करिए, कभी भगवान बुद्ध से मिले तो सही। भगवान बुद्ध के पास वो गया और भगवान बुद्ध जैसे ही गए, भगवान बुद्ध के पास कुछ फल पड़े हुए थे उसको दे दिए। वो बड़ा अचंभित हुआ और अचंभित भी ऐसा हुआ कि मैंने तो भगवान का 12 साल तक अपमान किया और मैं जाने के बाद भी मुझे फल फूल दिए, उनका कि भगवान ये क्या बात है। तो भगवान बुद्ध कहते, बेटा तेरे पास जो था तूने दे दिया और मेरे पास जो था
ये मैंने दे दिया। अब आपका अज्ञानता पूर्ण व्यवहार आचरण परिवार में जितने भी हम लोग आपस में तनाव वैमनस्यता एकमेक के प्रति द्रोह दुख ये अगर कोई विषय है ये अज्ञान का विषय है। अब कोई भी विषय मुझे लगता है कि ज्ञान पूर्ण अगर कोई व्यक्ति चले तो उसके जीवन में दुख या अशांति कभी हो नहीं सकती है और महाराज जो अज्ञानता के साथ चलने वाला जीवात्मा है उसको कभी भी शांति मिल नहीं सकती है। अब पति पत्नी परिवार बेटा बेटी माता पिता पुत्र पद पैसा प्रतिष्ठा कुल मिलाकर घूम फिर कर इसी के झगड़े है। आखिरी में अगर कोई झगड़े देखे तो क्या किसी को खाने की पीने की रहने की सोने की क्या कोई कोई भी प्रकार से आपके जीवन में कोई किसी एक रत्ती भर भी कमी नहीं है लेकिन परिवार में चार पांच आदमी रहते तो जैसे लगता है कि इससे बड़ा महाभारत इस घर में कुछ है ही नहीं। ये अज्ञानता का कारण है। एकमेक को समझने का उसने कुछ क्रिया करी आपने प्रतिक्रिया दे दी। यहां से रास्ता चलना है तो ये ज्ञान के साथ में चलना है तो समय का रास्ता भी भगवान कहते कि नई ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिय विद्यते उन सभी प्रकार से कोई भी अपने जीवन को अगर पवित्रता के साथ अगर चलना है तो उसके जीवन में ज्ञान होना चाहिए। आगे कहते तत् स्वयं योग संसिद्धम काले नात्मनि विंदती। श्रोताओं भगवान ने क्या कहा अपने आप ही उसमें अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसमें मुमुक्षता अपने आप आती है और मुमुक्षता अगर आ जाए उसके वैचारिक धारा अगर कोई श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान के साथ चलने लगे तो समझना आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुमुक्षता मुमुक्षु का अगर एक वर्णन देते देखे तो उसके जीवन में शांति। भगवान कहते हैं कि तत्प्रसादात परम शांति। अगर आप उस मुमुक्षता योग समसिद्धि उसमें अगर उस ज्ञान के साथ अगर आप चलोगे तो उसमें भी योग की सिद्धियां होगी जिसको अनिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्य अप्राप्य वशत्व ऋषित्व ऐसी अष्ट सिद्धियां नव निधिया ये सारा का सारा अगर आप कहे माचिस में अग्नि है माचिस में अग्नि नहीं है तिली में अग्नि है। एक तिली अगर जल गई तो आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड को जलाने की क्षमता उसके पास है और उसमें अगर ज्ञान है आपको बताऊं एक हवा अगर तेजी से आती है तो छोटा सा दीपक जल जाता है और वही हवा अगर आग लगे हुए जंगल में आ जाए तो पूरे जंगल को भस्म कर देती है। इसी तरह से ज्ञानमय वायु के साथ अगर आप चलोगे तो संसार रूपी जितने भी अज्ञानता है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा ने कहा क्या कि सबसे बड़ा आपके जीवन में सिद्धियां शांति जो साधना जो भी आपके जीवन में प्राप्त न होने का कारण क्या है कि आपके मन बुद्धि इंद्रिय अज्ञानता के साथ चलते ज्ञान के साथ नहीं चलते। कारण अब कितनी अज्ञानता बताए आपको मैं कई बार प्रवचनों में कह चुका हूं बोल चुका हूं श्रोता हूं हम इतने सीधे हैं। किसी ने कहा कि लोग उतार कर फेंक दो तो भूत भाग जाएगा तो लोग से भूत का क्या रिश्ता है। किसी ने कहा कि समोसे के साथ चटनी लगाकर खा लो कृपा आ जाएगी। अब समोसे का और चटनी का क्या अर्थ है मुझे कोई समझ में नहीं आता। इतनी अज्ञानता की व्यक्ति वो भी करने लगता है। उसको इतना तो पता होना चाहिए भाई कि हमारे जीवन में ये सारे के सारे आपके मन को शांत करने के लिए सारे ना ये मन बहलाने के जैसे किसी बच्चों को आप मोबाइल या कोई खिलौना देकर बहला देते कि आपको परेशान नहीं करे इसी तरह से ये सारे मन बहलाने के लिए सारे के सारे चीजें। जबकि ज्ञान अगर आपके जीवन में प्राप्त हो जाए
ना वहां कोई मंत्र है, ना यंत्र है, ना जंत्र है, ना साधना है, ना जप है, ना तप है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी कहते जान न जाना हमी योगम, जपम नहीं, जिसको वहां कोई योग भी नहीं। लेकिन ज्ञान रूपी सागर में अगर जिसने डुबकी लगाई तो अमृत अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाए, ज्ञानामृत उसको प्राप्त हो सकता है। श्रोता वो इतना है अपने जीवन में, भगवान ने कहा कि तत् स्वयं, भगवान क्या कहते हैं अपने आप ही, उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धि, गीता में कहा क्या, चाहे आप संसार में भी कैसे चलना है, ये ज्ञान के साथ अगर आप चलोगे तो अपने आप प्राप्ति होगी। भगवान ये नहीं कहा कि तत् स्वयं, और स्वयं के ही ये सारे जगत में जिसने जिसका जो पेट अगर भरना है तो रोटी जो खाएगा उसका उधर भरेगा, ये अपने जीवन में ही सारी सिद्धियां, साधना, सफलता, समृद्धि अगर आपको प्राप्त करना है तो तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नाद मणि विज विदम, किसमें किसी प्रकार का काल, ज्ञान, उपासना, समय, कोई संसारी, साधना, सन्यासी, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए, कबीरदास जी को ज्ञान हुआ, सूरदास जी को ज्ञान हुआ, मीरा को ज्ञान हुआ, तुकाराम को ज्ञान हुआ, नरसिंह मेहता को ज्ञान हुआ, ऐसे कई महापुरुषों का चरण वर्णन आता है। वह आयु कोई बाध्यता नहीं है उसके लिए, संसार, पुत्र, पौत्र, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जनक भी थे, ये भी इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर कई जीवन में ज्ञान सिद्धियां प्राप्त करना है तो उसके लिए बाध्यता है आपके इंद्रिय मन ये ज्ञान के साथ चले। आपके विचार नहीं तो महाराज, हम लोग देखते हैं कि हम समझते तो बहुत है, अभी तुरंत निंदा चालू करते, अभी तुरंत कमियां बोलना चालू करते, ये अज्ञानता के लक्षण है। बीमारी है शरीर में, अगर बीमारियां आए तो महाराज वो बीमारियों का नष्ट करना है वो कहां से होगा, या घर में बैठे बैठे हाथ पैर मारने से, उसको पैर करने से, रोने गाने से बीमारी नष्ट नहीं होगी, उठो दवाइयां वालों ठीक हो जाएगी। इसी तरह से आपके जीवन में भी ज्ञान रूपी दवाई अगर कोई रोज लेता है उसके किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है, चाहे वो ये लोक है, परलोक है, स्वर्ग लोक है, देवलोक है, आत्मलोक है या सांसारिक लोक है। किसी भी जगत में अगर आपको चलना है तो भगवान ने कहा कि तब स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दते, किसी प्रकार से काल में वो बींदता नहीं है, वो कहते हैं कि महाकाल बन जाता है। कितनी बड़ी बात का, कितनी बड़ी बात कही, महाकाल अगर बनना है तो अपने जीवन में ज्ञान रूपी समुद्र में इंद्रिय मन बुद्धि इनको सभी को उसमें रोज समझने का प्रयत्न करें। आपने दुनिया का मैनेजमेंट किया होगा, अपने मन बुद्धि इंद्रियों का मैनेजमेंट करके देखो, आपको क्रोध कब करना है, आने से पहले सावधान रहना है, मुझे कब क्या बोलना है, मुझे कब क्या देखना है और मुझे कब क्या सोचना है, ये जब आप अपने अधीनस्थता के साथ चलाओगे यही ज्ञान है। ये आ जाए परमात्मा कहते ये मुमुक्षुता है। फिर उसको जब कहते ना कि गाड़ी जब स्टार्ट करना हो चाबी लगाई स्टार्ट हो गई, इसी तरह से मन बुद्धि इंद्रिय भी आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आना है और किस प्रकार के न विचार आना है, ये जब आपके हाथ में उसमें अगर आपकी संसिद्धि आ जाए ये योग सिद्धि है, ये ज्ञान सिद्धि है, ये मुमुक्ष सिद्धि है, ये आत्म प्राप्त सिद्धि है। इसलिए श्रोताओं आप अपने जीवन में परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए अगर उतना ज्ञान सिद्धि, बहुत लंबा खींच गया श्लोक के ऊपर लेकिन बोलना भी जरूरी था क्योंकि गीता में बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि कई प्रकार से अपने आप को उस परात पर परमात्मा को प्राप्त हो चाहे न हो लेकिन सभी अपने अपने जीवन में हरेक क्षण
शांति के साथ, ज्ञान के साथ अगर आप चलोगे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने गाली बक दी, गाली बकने से शरीर के वो छिद्र तो पड़े नहीं, और गाली बकना ये आत्मा का विषय नहीं है। मान अपमान ये इंद्रिय मन का शरीर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। आपने किसी का अपमान कर दिया, उसके आत्मा का अपमान नहीं किया, आपने उसके इंद्रिय और उसके अहंकार का अपमान किया। किसी की निंदा करी तो यह आपका द्वेष बोलता है, आप उसके ऊपर नाना प्रकार की बातें करके अपने आप में उससे होना जाना कुछ नहीं। लेकिन क्यों, भगवान ने यह कहा कि अर्जुन इतना ही अगर जो काले नाथ मणि विंदती, उसमें अपने आप को ही उस परात पर परमात्मा के चरणों के अंदर जितना हमने समझने का प्रयत्न किया और उसमें ज्ञान के साधना का उपाय भगवान ने कहा। 39वां श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान कहते हैं श्रद्धा वलभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम जिसको कहे चरणावधि गच्छति। कितनी अच्छी बात थी, श्रद्धा वलभते ज्ञानम। रामायण में बाबा तुलसीदास जी की भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, हमारे अंदर अशांति का मूल कारण आपके मन में किसी के भी प्रति विश्वास नहीं है। कोई मजबूरी में जा रहे हो, स्वार्थ के पूर्ति के लिए जा रहे हो, किसी के प्रदर्शन के लिए जा रहे हो, या अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर वहां दिखाने के लिए जा रहे हो, ये विश्वास श्रद्धा का विषय नहीं। श्रद्धा का विषय अगर हम लोग देखें तो भगवान ने क्या कहा, श्रद्धा वलभते ज्ञानम। अब ज्ञान हमारे जीवन में वर्षों वर्ष निकल गए, उस पत्थर के समान नदी में डाल दिया, गीला हो गया, बाहर निकल गया, सूख गया। इतने वर्ष काम करने के बाद भी आप अपने जीवन में एक पल भर किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सके, ये आपके जीवन के सबसे बड़ा हार, और कहते हैं कि ये आपके जीवन में कोई है नहीं। जहां जाए, जिस जगह पे जाए, भगवान के मंदिर में भी जाए, वहां भी आपके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। इसको कहते खल बुद्धि। खल का मतलब आपको समझ में आए, ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वो खल छोटा सा जो पत्थर आता है मंदिर में भी जाता है तो विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता है, भाग लेता है तो है ही नहीं, किसी भी विषय के ऊपर विश्वास नहीं। पर भगवान कहते हैं कि अगर आपके जीवन में श्रद्धा व लभते ज्ञान, इतना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। शबरी ने अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास श्रद्धा रखी, रामायण कितने विश्वास, कितने उदाहरण आते महाराज। ऐसे कई बात, कई प्रकार की चीजें हम लोग प्रहलाद को देखते स्तंभ में से नारायण को प्रकट किया, आज भी ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण मेरे जीवन में। मैं चाहता हूं कि मेरे श्रोताओं, आपके सांसारिक जीवन के नहीं, आप मुझे जितने भी हजारों लोग सुनते हैं रोज, मैं आप लोगों को इतना ही कहता हूं, आप मुझे भगवान के विषय में अपना अनुभव लिखने का प्रयत्न करें, पत्र लिखे, मैं उसकी एक किताब बनाना चाहता हूं कि समाज को देना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में पता लग जाएगा। श्रोताओं, भगवान ने क्या कहा कि अपने जीवन में श्रद्धा ही, कई जीवन कई ऐसी चीजें आती है, मैंने तो आज कितने वर्षों में ऐसे ऐसे लोगों के पास में जीवन में देखा है जिन्होंने विश्वास किया और प्राप्त हो गया, ऐसे कई उदाहरण उसके ऊपर अभी ज्यादा, लेकिन मुझे एक ही समझ में आता है, आप हनुमान जी की तरह भगवान राम के प्रति राम काज करी बेको आतुर। इसलिए श्रोताओं,
अपने जीवन में कल इसके ऊपर चिंतन करूंगा। श्रद्धावलवदे ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, आपके जीवन में इंद्रियों को संयमित करना है तो आपको श्रद्धा उत्पन्न करना जरूरी है। इसके ऊपर कल चिंतन करते हुए आज समय की पूर्णता हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।